नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आज आपको ऑरिकुलर थेरेपी में डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, डायबिटीज़ के पॉइंट कान पे कहाँ पे आते हैं, उन पे सीड्स आपको कैसे लगाने हैं और उनकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, डायबिटीज के कॉमन ऐसी समस्या हो गई है कि हर एक पर्सन को हो जाती है। मिनिमम आपको 35 या 60 के करीब डायबिटिक पेशेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये क्या होता है कि डायबिटिक इनरेगुलर यानी कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन की गड़बड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आप इलाज किस तरीके से करें, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब उनकी पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ पर आएगी, तो चलिए अब देखते हैं। तो पहला आपको जो लोकल पॉइंट लेना है वो आपका पॉइंट पैंक्रियास का आएगा। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा, ये आप देखेंगे कि यहां पे लीवर था, लीवर के जस्ट यहां पे ये आपका पैंक्रियास का पॉइंट आएगा। ये देख सकते हैं यहां पे ये आपका पैंक्रियास। अब अगर जो चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे आपका स्टमक और स्प्लीन आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपका स्टमक का है। उसके बाद में देखेंगे ये यहाँ पे, ये दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये आपका स्प्लीन का है। इस तरीके से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आपका स्प्लीन का है। फिर इसके जो पॉइंट्स आएंगे स्पाइन पॉइंट, वो आएंगे आपके T7, T8 और T6। तो यहाँ पे ये आपका T6, 7 और 8, तो ये आपके स्पाइन पॉइंट हो जाएंगे। अब अगर जो चक्रास की बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड आई और सोलर, क्योंकि थर्ड आई में आपकी जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और जो सोलर चक्रा की बात करें तो वहाँ पे आपका सोलर चक्रा यानी कि पैंक्रियाज ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड आई और सोलर चक्रा आपका ये। तो दोस्तों, फिर हम अगर जो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट जो आएगा वो आएगा विंड एलिमेंट। तो ये आपका यहाँ पे ये विंड एलिमेंट। फिर स्पेशल पॉइंट जो आएंगे इसके वो आएगा आपका डायबिटिक और पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी जो है एंडोक्राइन की मास्टर ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे ये जो पैंक्रियाज का पॉइंट था इसके यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका डायबिटिक का पॉइंट है। उसके बाद में पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ पे सीखा था हमने ब्रेनस्टेम, तो ब्रेनस्टेम और ये आपका पिट्यूटरी आ जाएगा। फिर आपका अगर जो हम बात करें सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स लेना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है डाइजेशन के रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपका डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स, और फिर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आ गई थी यहाँ। तो इन पे आपको किस तरीके से सीड्स लगाने, चलिए अब उनकी बात करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से ऑरिकुलर थेरेपी के सीड होते हैं और ये जिम्मी होती है, तो आपको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपको ये इस तरीके से सीड को लेना है और जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको लगा देना है। तो पहला आपका लोकल पॉइंट था वो आपका था पैंक्रियास, तो ये दोस्तों हमने पैंक्रियास लगा दिया। अब ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो यहां पे आपका
स्टमक और दूसरा आपका पॉइंट स्प्लीन। तो ये आपका स्टमक और स्प्लीन। अब स्पाइन की पॉइंट की बात करते हैं, तो ये आपका T6, T7, और फिर आपका जो पॉइंट आएगा T8, तो ये आपका पॉइंट आ गया T8। दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल है ये आपको लेफ्ट ईयर पे ही करनी होगी, क्योंकि लेफ्ट ईयर लेफ्ट साइड आपकी पैंक्रियाज आती है। फिर हम चक्रास की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो चक्रास में आएंगे तो ये आपकी थर्ड आई, फिर आपका शोलर, तो ये आपका पॉइंट शोलर का आ गया। फिर एलिमेंट की बात करते तो यहाँ पे विंड एलिमेंट, स्पेशल की पॉइंट की बात करते तो यहाँ पे फिर आपका पैंक्रियाज था, पैंक्रियाज के साथ में आपको ये आपका डायबिटिक का पॉइंट। फिर क्योंकि जो एंजोक्राइन की मास्टर ग्लैंड होती है वो आपकी यहाँ पे पिट्यूटरी, तो ये आपकी पिट्यूटरी, और फिर यहाँ पे ये आपका डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। तो दोस्तों मैं आपको फिर से पॉइंट की लोकेशन बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट आएगा वो आपका पैंक्रियाज का आएगा, क्योंकि लोकल पॉइंट वही होता है। फिर जो सेकंड पॉइंट आएंगे ऑर्गन्स की बात करें तो स्टमक और स्प्लीन आएगा। फिर इसके जो स्पाइन पॉइंट आएंगे T6, T7, T8। फिर हम चक्रास की बात करते हैं तो पहला आएगा आपका थर्ड आई, फिर आएगा आपका सोलर, क्योंकि थर्ड आई में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और सोलर चक्रा में आपकी पैंक्रियाज ग्लैंड होती है। विंड एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो, क्योंकि वो सर्कुलेशन को अच्छा करेगी, यानी कि जो विंड है सर्कुलेशन जब अच्छा होगा हमारी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं तो पहला जो स्पेशल पॉइंट आएगा वो आएगा आपका डायबिटिक, फिर आएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि एंडोक्राइन की जो मास्टर ग्लैंड होती है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर अगर जो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स आएगा। तो दोस्तों तो ये आपकी प्रॉपर प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों हमने सीखा आज डायबिटिक का इलाज, आपको किस तरीके से सीड्स लगाने, किस तरीके से आपको जिम्मी से सीड लगाने हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे हमने सीखा। तो दोस्तों अगर जो आप हमारे YouTube चैनल पे अभी नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपके पास आसानी तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।